मेरे पास एहसन भाई 2x1.5 का खाना है, बेहतरीन साइज। रेड आई हैं वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, अपना अल्बाइनो रेड आई और स्प्लिट से निकले हैं ये रेड आई तकरीबन सारे। माशाल्लाह अंडे दिए हैं मैं बेटी के, माशाल्लाह 6 अंडे दिए हैं। इसमें कुछ स्प्लिट हैं और कुछ अल्बाइनो रेड आई हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। तो आज हम मौजूद हैं अपने एक दोस्त सगीर भाई के सेटअप पे, तो इनको हम इनवाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत से? और सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये माशाल्लाह कितना टाइम हो गया आपको ये सेटअप रन करते हुए और क्या क्या एफर्ट्स रहे इस सेटअप के दौरान? भाई मेरे को माशाल्लाह ये दूसरा सीज़न है, पिछले सीज़न लगाए थे तो कुछ बड़े पीस ख़रीदे थे तो कुछ सही नहीं मिले थे, तो माशाल्लाह पट्ठों से लेके जो तैयार किए हैं उनके में जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आपको रिज़ल्ट भी दिखाते हैं और चिक्स भी निकले हैं। अच्छा, इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। बड़े लिए थे उसके अंदर क्या शिकायत आई? मतलब अक्सर हम जैसे व्यूअर्स को समझाते हैं कि पट्ठे लेके बड़ा करें और फिर उनसे ब्रीड लें, तो क्या बड़े लेने से क्या नुकसान हुए आपको? एहसन भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैंने जो है ना बड़े पीस ख़रीदे थे, कोई एग्स नहीं दे रहे थे, कोई जो है ना कच्चे अंडे दे रहे थे, कोई फर्टाइल नहीं कर रहे थे, इस तरह के जो है ना इश्यूज़ आ रहे थे। तो कुछ जो पेयर सही थे उनके पट्टे जो रोके मैंने, रोकने के बाद जो है ना अपने पास मैंने वो लगाए और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा, बाहर से भी आपने पट्टे खरीदे होंगे? जी जी भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पट्टों से जो तैयार किया ना, जो माल मेरा पट्टों से तैयार हुआ ना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका। माशाल्लाह आप क्या क्या ब्रीड करा रहे हैं यहाँ पर? मेरे पास माशाल्लाह जो है अल्बाइनो लगा हुआ है और स्प्लिट लगा हुआ है, डेकिनो लगा हुआ है और पारबिलो लगाए हुए हैं और कुछ पोस्टर पे लोटिनो वगैरह के लगे हुए हैं। अच्छा, लोटिनो पोस्टर कर रहे हैं? जी जी। तो व्यूअर्स आपको इनका सेटअप दिखाते हैं। जी सगीर भाई, सबसे पहले हमें कौन सा पेयर हमारे व्यूअर्स को दिखाने जा रहे हैं? भाई अल्बाइनो रेड आई टू अपना प्यार ब्लू पेस्टलिनो लगा हुआ बॉक्स के अंदर है, इसके बच्चे अभी अलग किए हैं मैंने। ये अंदर बैठा हुआ। अच्छा, इसके बच्चे अलग कर दिए हैं माशाल्लाह, ये पेयर है जी, दोबारा एक लैंग कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह, पहला अंडा आ चुका है जी। अल्बाइनो रेड आई टू स्प्लिट लगा हुआ है, इसके भी बच्चे माशाल्लाह अलग कर दिए मैंने, ये भी एक लैंग पर है। अच्छा माशाल्लाह, इनके बच्चे आपने अलग कर दिए, वो भी हम व्यूअर्स को दिखाएंगे। ये पेयर बाहर आ गया, देख सकते हैं ये रेड आई टू रेड टू ब्लैक लगा हुआ है, ये स्प्लिट लगा हुआ है जी जी। तो इसके बच्चे भी रेड आई हैं जी? माशाल्लाह 2 रेड आई हैं और 2 ब्लैक आई, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं जी जी। और इसके बाद एक ये पेयर लगा हुआ है रेड टू स्प्लिट का, ये माशाल्लाह अंडों पे बैठी हुई है। ये ब्लैक आई की फीमेल है और मेल जो है रेड आई का, रेड आई का मेल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं व्यूअर्स। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा माशाल्लाह गेज साइज आपने क्या दिया हुआ यहाँ पर? ये मेरे पास एहसन भाई 2x1.5 का खाना है। अच्छा जी, मतलब लपट्स के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन साइज, आइडियल साइज है, आइडियल साइज। अच्छा, 1.5x1.5 में भी लोग ब्रीड करा रहे हैं? बिल्कुल 1.5x1.5 ये लगा हुआ है, 1.5x1.5 में भी ब्रीड आ रही है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से 1.5x2 होना चाहिए, कम अज़ कम 1.5x2 होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा पेयर दिखा रहे हैं? नेक्स्ट ये देख लें, ये अल्बाइनो रेड आई का मेल है और डेकिनो की फीमेल है, माशाल्लाह अंडे दिए हैं मैं बैठी हुई है, माशाल्लाह ये डेकिनो की फीमेल है, माशाल्लाह 6 अंडे दिए हैं मैं। अच्छा, मेल अल्बाइनो रेड आई का है जी जी। तो इसके बच्चे क्या आते हैं, क्रीमिनो और ब्लैक आई और रेड आई अल्बिनो? एहसन भाई 2 दफ़ा इसके अंडे जो है ना अनफर्टाइल हो गए थे, फर्स्ट ब्रीड का पेयर है ना ये, पट्ठों से तैयार किया है, माशाल्लाह अब जाके इसने जो है फर्टाइल किया, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, दूसरा पेयर लगा हुआ है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि अक्सर लोग जो है एक दफ़ा 2 दफ़ा इनफर्टाइल अंडे देता है, वो मार्केट में आके बेच देते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने ये माशाल्लाह होल्ड किया और माशाल्लाह सक्सेसफुल? बिल्कुल भाई, अगर ये अभी भी फर्टाइल नहीं होते तो मैं इनको अलग अलग करके खड़ा करता, लेकिन सेल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसे जो है ना हम टाइम देते और फिर चेक करते हैं इसे अगले सीज़न, फिर चेक करते हैं। मतलब आप कहते हैं ऐसे पेयर रोक के होल्ड करके 3-4 दफ़ा इसको चेक करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, असल में मैंने ये डेकिनो भी पट्ठा ख़रीदा था
और अल्बाइनो रेडाई मेरी होम ब्रीड है, तो इसीलिए मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि इसकी एज जो है ना अभी 10 महीने हुई है, तो माशाल्लाह भी ये 12 महीने का हो गया, 12-13 महीने का। अच्छा, तो अब फर्टिलिटी आई है इसकी जी। अच्छा, ये माशाल्लाह थोड़ा सा ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में बता दिएगा कि माशाल्लाह कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं अभी या नहीं? हसन भाई, फार्मूला कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस अपना डी न्यूट्रिकल और सॉलिविट डी ब्रीडर और के बी प्रोजाइम, बस ये इस्तेमाल करा रहा हूँ मैं। मतलब सॉरी भाई, डी ब्रीडर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने इंडोर बनाया सेटअप? जी जी। तो इस वजह से धूप की कमी पूरा करने जी के? बिल्कुल बिल्कुल, और कैल्शियम वगैरह मल्टीविटामिन सब कुछ ही है दोनों चीज़ों के अंदर, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करा रहा हूँ मैं। और उसके बाद कौन सा पेड़ दिखा रहे हैं? उसके बाद ये पारबिलू अल्बाइनो रेडाई की फीमेल है, पारबिलू का मेल है। जी जी, माशाल्लाह ये मेरे पास जो है, अब असल में ये पारबिलू स्प्लिट इनो नहीं है ना। अच्छा। सादा है मेरे पास, ये जो है पारबिलू पेस्टल इनो निकालता है, और पारबिलू निकालता है, फिशरी निकालता है मेरे पास, और ब्लू पेस्टल निकालता है। ये सारे बच्चे जो होंगे माशाल्लाह ये स्प्लिट इनो होंगे? जी जी, ये सारे स्प्लिट इनो हैं जी बिल्कुल। और जो है इसी पेयर की एक फीमेल मैंने पिछले सीज़न रोकी थी, माशाल्लाह फर्स्ट क्लच में 3 जो है इसने रेडाई दी है मुझे, एक क्रिमिनो, 2 अल्बाइनो रेडाई। जी जी, इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ डेकिनो 2 अल्बाइनो रेडाई। डेकिनो का इसके अंदर मेल है, अल्बाइनो रेडाई की फीमेल है। चिक्स आए हैं माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह 3 चिक्स ये हैं, और एक चिक्स इसका मैंने जो है ना फोस्टिंग किया हुआ था, वो वहाँ सबसे पहला बच्चा वो हैच हुआ था, वो अलग कर दिया मैंने, बस ये भी अलग करने वाले हैं, बस टाइम नहीं मिल रहा था तो अलग नहीं किए। 2 इसमें माशाल्लाह डेकिनो आए हैं, और 2 इसके अल्बाइनो ब्लैक ही आए थे। अच्छा, ये प्रॉपर सेल्फ होने में जब अंडे से निकलता है बच्चा, तो तकरीबन कितने दिन का बच्चा सेल्फ होता है? एहसन भाई, मैंने कभी नोट तो नहीं किया, लेकिन ये है कि जब तक फीमेल दोबारा एग ले नहीं करती है तब तक मैं चिक्स अलग नहीं करता हूँ। अच्छा, जब तक अगली दफ़ा एग ना आ जाए? जी जी बिल्कुल, मैं फिर तब तक अलग नहीं करता। क्या आगे नीचे ये एक पेयर है अल्बाइनो रेड आई 2 स्प्लिट का लगा हुआ है, बॉक्स के अंदर है। इधर भी एग्स आए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अंडे दिए हैं 3 जी। रेड आई का मेल है और स्प्लिट की फीमेल है। इसका भी माशाल्लाह सेम रिजल्ट है। इसने भी 2 रेड आई निकाले थे और 2 जो है ब्लैक आई निकाले थे। और ये नेक्स्ट पेयर, इधर भी अल्बाइनो रेड आई 2 स्प्लिट लगा हुआ, माशाल्लाह एक ज़ाहिर है जी। इसमें भी रेड आई का मेल है और स्प्लिट की फीमेल है। जी समीर भाई, ये इधर कुछ पोस्टर पेयर भी माशाल्लाह लगाए हैं आपने? जी बिल्कुल, ऊपर 2 पेयर लगे हैं कॉमन लोटिनो के, इनके नीचे एक पोस्टर किया है मैंने, और माशाल्लाह चिक्स भी निकले हैं। अच्छा, बच्चे वगैरह आए हैं माशाल्लाह? जी जी माशाल्लाह आए हैं। तो इसमें इसने एक लिंग अभी स्टार्ट करी है। अच्छा, इसने अपने अंडे दिए? जी इसने अपने अंडे दिए हैं, अभी एक पेयर अंडे दे रहा है, तो इंशाल्लाह जो है उसके अंडे इसके नीचे माशाल्लाह 3 अंडे दिए हुए जी। अभी एंगलिंग कर रही है ये, और दूसरा पेयर ये है, इसने भी एंगलिंग स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह 2 अंडे हो गए, ये बैठी हुई है एग्स दे रही है माशाल्लाह। ये कलर लबर्ड है ना? जी कलर लबर्ड है लोटिनो के साथ जी। और ये स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर है, इसने माशाल्लाह 5 बच्चे निकाले थे, जिसमें से दिखा देना व्यूअर्स को माशाल्लाह, ये स्प्लिट और स्प्लिट का पेयर है माशाल्लाह। इसने जो है 2 अपने, इसके 2 ब्लैक आई निकले और 2 रेड आई निकले, एक बच्चा इसमें फोस्टिंग हुआ हुआ रेड आई बच्चे आए जी। ये फिशर का पेयर है? जी ये फिशर का पेयर है, ये भी फोस्टिंग के लिए? जी फोस्टिंग के लिए, इसके नीचे लोटिनो के अंडे रख दिए मैंने। माशाल्लाह। और ये एक फिशरी का पेयर है, इसकी फीमेल ने भी जो है एक ले कर दिया है। ये इसके अपने अंडे? जी इसके अपने अंडे हैं, लेकिन इसके नीचे भी दूसरे अंडे रखना है। अच्छा, चेंज कर देंगे जी फोस्टिंग के लिए, इसको यूज़ करना है। के बराबर में ये भी लबड़ का पेयर है? जी ये भी लबड़ का पेयर है, ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है।
जी ये अभी तैयार कर रहा हूँ, ये अभी बॉन्ड नहीं हुआ सही। इधर माशाल्लाह ये पट्टे आए हुए हैं जी, इसमें कुछ स्प्लिट हैं और कुछ अल्बाइनो रेड आई हैं इसमें। अच्छा विजुअल रेड आई भी है माशाल्लाह। जी जी, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल है? जी बिल्कुल मिल जाएंगे। तो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं थोड़ा सा बता देंगे व्यूअर्स के लिए? भाई ये सारे पीस डीएनए के साथ हैं ये। अच्छा जी, 7,000 रुपये पर पीस देंगे स्प्लिट और 14,000 रुपये पर पीस देंगे रेड आई डीएनए के साथ। मेल फीमेल कंफर्म? जी मेल फीमेल कंफर्म डीएनए के साथ। हमारे व्यूअर्स अगर रब्ता करेगा तो उसके लिए गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे जो होगा। और ये सादे लोटिनो मेरे से ये है ये सेल हो गए, ये दे दिए। ये एक डेकिनो का पीस भी सेल हो गया और 2 डेकिनो के पीस और हैं वो मिल जाएंगे। यानी मेल फीमेल है दोनों या दोनों मेल? नहीं एक मेल है उसमें और एक फीमेल है, मतलब पेयर है। जी जी डेकिनो का पेयर है, उसके साथ कोई अल्बाइनो रेडाई लगा के लेना चाहे तो भी मिल जाएगा। और पेस्टेलिनो भी है? जी पेस्टेलिनो डीएनए मेल है। अच्छा ये वाला पेस्टेलिनो है? जी पेस्टेलिनो वोरा, ये डेकिनो है। अच्छा डेकिनो है जी, ये नीचे बैठा ये आ गया, ये डेकिनो है। और पेस्टेलिनो वो सामने पेस्टेलिनो है, पारबिलू पेस्टेलिनो। क्लोज रिंग बड हैं सारे। जी सगीर भाई इधर भी माशाल्लाह कुछ पट्टे आए हैं, ब्लैक आई और रेड आई। जी बिल्कुल एहसान भाई, ये जो ब्लैक आई हैं ये डेकिनो 2 अल्बाइनो रेड आई से निकले हैं ये, और जो है रेड आई हैं वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है अपना अल्बाइनो रेड आई और स्प्लिट से निकले हैं ये रेड आई तकरीबन सारे। ये तकरीबन 4 महीने के है, सबके डीएनए हुआ हुआ मेरे पास, जितने पट्टे हैं सब डीएनए हुआ हुआ इनका। अच्छा क्लोज रिंग बर्ड है सारे डीएनए? जी 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 जी, होम ब्रीड है, क्लोज रिंग बर्ड है और डीएनए के साथ हैं सारे। ये भी वही जो आपने रेट बताया उसी रेट पे? जी, और स्प्लिट की गारंटी होगी, 100% स्प्लिट की गारंटी होगी। आपके सामने सारा शेड आपने देख लिया, जो पेयर्स लगे हैं क्वांटिटी पे फोकस नहीं रहा, जो क्वालिटी पे फोकस किया माशाल्लाह हमने। आपके सामने एक एक पीस का साइज़ आप चेक कर सकते हैं और रेड टू ब्लैक लगाया हुआ सारा मैंने। हमारे व्यूअर्स को अपना नंबर और एड्रेस थोड़ा सा समझा दीजिए। एड्रेस एहसान भाई मेरा है नॉर्थ कराची सेक्टर 4 रहमानिया मोड़, और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है 03454660236। ये कॉल पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है। थोड़ा टाइमिंग भी बता दीजिएगा क्योंकि व्यूअर्स को अंदाजा हो जाएगा टाइमिंग, टाइम फ्री होंगे। 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 10 बजे तक कर सकते हैं। सुबह 9 से रात 10 बजे तक किसी भी टाइम पे। जी ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।